Welcome to ATMS. Our sprawling campus provides a conducive environment for learning, with cutting-edge facilities and resources designed to support academic excellence. Beyond academics, our vibrant campus life offers a plethora of opportunities for students to discover their passions. Contact us today to begin your academic adventure. JMS संस्थान KG2PG नेशनल हाईवे 9 हापुड़ो ATMS नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़ो ओम कॉमेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फुलगली पीर वाली गली हापुड़ो मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़ो जय हिंद जय संविधान मैं हूं चंदन सिंह आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज़। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में परिषद स्कूलों के शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध पुरजोरों पर। प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठन एकजुट होकर एक मंच पर आए, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अटेवा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, शिक्षा मित्र संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, विशिष्ट BTC संघ, अनुदेशक संघ, संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ, SC ST बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन, महिला शिक्षक संघ, TST सहित कुल 15 अन्य विभिन्न संगठन एवं एक मंच पर आकर शिक्षकों के हित में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन करके अपना विगुल फूंका, जिसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2024 को जनपद मुख्यालय कलेक्ट्रेट हापुड़ पर ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी सदर हापुड़ संदीप कुमार को दिया, जिसमें संलग्न 7 सूत्रीय मांग ऑनलाइन उपस्थिति पूर्णता है, अव्यवहारिक नियमों एवं सेवा शर्तों के विरुद्ध है, यह स्वीकार नहीं है, इसके तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। परिषदीय शिक्षकों को 30 EL, हाफ CL एवं प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत सप्ताह में अधिकतम 30 घंटे की पढ़ाई निर्धारित करके केंद्रीय विद्यालयों की तरह 5 दिवसीय शिक्षक कार्य किए जाएं। समस्त शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए, वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण की जाए तथा ऐच्छिक जनपद में स्थानांतरित करते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरित किए जाए। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को नियमित किया जाए। नियमित प्रक्रिया पूर्ण होने तक समान कार्य समान वेतन के सापेक्ष मानदेय दिया जाए। परिषदीय शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। सुनते हैं एक संगठन के जिलाध्यक्ष को, उनका क्या कहना है इस ज्ञापन देने के मामले में। मेरा क्वेश्चन सर्वा नाम। अच्छा, क्या मामला है जो आप उन्हें धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया है, क्या है ये? शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो अव्यवहारिक एक आदेश जो है जारी कर दिया गया, उसके संबंध में हम सभी शिक्षक कर्मचारी संगठन के उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। क्या क्या मांगे हैं? मांग हमारी ये है कि ये जो आदेश ऑनलाइन हुआ है, इसको निरस्त किया जाए। क्या आदेश है? आदेश ऑनलाइन उपस्थिति डिजिटलाइजेशन का। यदि आपकी मांगे पूरी ना होती हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो भी हमें प्रदेश से संयुक्त शिक्षक कर्मचारी मोर्चा आह्वान करेगा, उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। अब ये मांगों का ज्ञापन दिया आपने किनको दिया है? ये हमने मांगों का ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। JMS Group of Institutions Hapur has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs.
Group of Institutions Harper is a top-notch institution in the whole gamut of NCR Delhi. खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल ATC फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।